हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कैट में आता है कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रेलवे बैंकिंग ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग तो पूछता ही है तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है तो इसको ध्यान से देखिएगा सो वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब सो लेट स्टार्ट तो क्वेश्चन है राम हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड फोर कंपनीज नेमली एंड बैट कैट एंड डेट तो चार कंपनी हैं ठीक है चार कंपनीज़ के नाम हैं वैन रिजल्ट ऑफ़ द कंपनी फॉर ईयर नाइनटीन नाइनटी टू टू नाइनटीन नाइनटी थ्री इस ईयर का रिजल्ट हम देखेंगे इस चारों कंपनी का कैसा है वे आर प्लेसड बिफोर हिम उसके सामने रखा गया तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके सामने रखे ही फाउंड फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दैम वाइल द प्रॉफिट ऑफ कैट एंड डेट वे आर द सेम द सेल्स ऑफ कैट वे आर द सेम एज द एज ऑफ बैट तो जो प्रॉफिट था कैट और डेट का वो सेम था और जो सेल्स था कैट और बैट का वो सेम था ठीक है फिर प्रॉफिट ऑफ एंड वेयर टेन परसेंट ऑफ इट सेल्स वेयर इज द प्रॉफिट ऑफ बैट वेयर ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट सेल्स मैं आपको अभी पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा वाइल द टोटल एक्सपेंसेज ऑफ कैट वेयर फाइव टाइम्स इट इट्स प्रॉफिट सेल्स ऑफ डेट वेयर थ्री टाइम्स इट्स प्रॉफिट द टोटल एक्सपेंसिस ऑफ कैट वेयर रुपीज टेन लैक द टोटल एक्सपेंसेज ऑफ एंड वेअर टेन परसेंट लेस देन दोज ऑफ कैट प्रॉफिट वे डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड टोटल तो देखिए इतने सारे इसमें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन दिया है ना कि आप एक साथ ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में कलेक्ट नहीं कर सकते तो उसको एक ना टेबलर फॉर्म में स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए आपको जब आप आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खाली रफ रफ शीट तो मिलेगा ही है ना उसमें आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए उसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के साथ तो बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है चार कंपनीज़ है और चार कंपनीज़ के हमें प्रॉफिट्स बताया है सेल्स बताया है और एक्सपेंसेस बताया है ये तीन टर्म को आपको हाईलाइट करना है चार कंपनीज़ है एंट बैट कैट और डेट और ये चारों कंपनीज के सेल्स प्रॉफिट और एक्सपेंसेस यही तीन चीज़ बताया है और इसको घुमा फिरा के दिया कि टेन परसेंट इसका ज़्यादा है फाइव परसेंट इसका कम है सेम है या थ्री टाइम्स ज़्यादा है या फाइव टाइम्स कम है इस तरह से तो इसको हम लोग पहले एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के तरफ पढ़ेंगे तो देखिए हमारे पास कंपनीज़ क्या क्या है एंट है फिर बैट है और फिर कैट एंड देन डेट ये चार कंपनीज है हमारे पास तो ये चार कंपनीज हैं और प्रॉफिट सेल्स और एक्सपेंसेस ये तीन कंपोनेंट्स है तो ये प्रॉफिट को मैं पी से डिनोट किया हूँ उसके बाद फिर हम जाएंगे सेल्स पर और उसके बाद एक्सपेंसेस ठीक है ई ई से भी डिनोट कर सकते हैं तो हम लोग पहले पहला लाइन पढ़ेंगे कि एंड का नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री के टाइम पे हम लोग को कुछ कुछ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसका पहला लाइन क्या है बाई द प्रॉफिट ऑफ कैट एंड डेट वे आर द सेम ये दिया है बाई द प्रॉफिट ऑफ कैट एंड डेट वे आर द सेम तो कैट और डेट ये रहा ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे लाइन खींच देता हूँ कैट और डेट के प्रॉफिट को हम एक्स ले लेते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे एक्स हम लिख दिए कैट और डेट के प्रॉफिट क्योंकि वैल्यू तो दिया नहीं है तो हम एक्स डिनोट कर दिए हम बाद में देखेंगे कि आगे क्या होता है फिर लिखा है द सेल्स ऑफ कैट वेयर द सेम एज दो ऑफ़ बैट तो जो सेल्स था कैट का वो सेम था कैसे बैट के लिए तो कैट ये है और बैट ये है। इसका सेल्स यहाँ पास है सेल्स सेम है दोनों का तो वाई वाई से डिनोट करेंगे हम ये वाई और ये सेल्स बैट और कैट का सेम था तो हमने वाई से डिनोट कर दिया दो लाइन हो गया सेल्स ऑफ कैटवेयर सेम एज द बैड फिर हम थर्ड में जाते हैं थर्ड पॉइंट में प्रॉफिट्स ऑफ एंट वेयर आर टेन परसेंट ऑफिट सेल्स यानी कि जो एंट का जो प्रॉफिट है सेल्स का टेन परसेंट एक्स्ट्रा है तो सपोज प्रॉफिट आपका सेल्स सेल्स का एंट का जो सेल है वो जेड है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा टेन परसेंट इंक्रीज करके जेड का तो क्या हो जाएगा जेड बाय टेन ये जेड बाय टेन कैसा है आपको बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए परसेंटेज का अगर टेन परसेंट है उसको आप वैल्यू में करेंगे इंटू जेड करेंगे तो ये कितना आएगा टेन टेन कट गया तो ये कितना बचा जी जेड बाय टेन इतना बचा तो यहाँ पास मैंने जेड बाय टेन परसेंटेज को आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना आना चाहिए ये जेड बाई टेन होगा देखिए स्टेटमेंट ये लिखा है प्रॉफिट ऑफ एंड वे आर टेन परसेंट ऑफ इट सेल्स यानी कि जेड है तो प्रॉफिट कितना होगा जेड बाई टेन होगा ठीक है ये इसका प्रॉफिट है ये आपको पता रहना चाहिए वे आर एज द प्रॉफिट ऑफ बैड वे आर ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट सेल्स तो बैट का प्रॉफिट जो है यानी कि ये इसके सेल्स का कितना होगा ट्वेंटी परसेंट होगा तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर वाई है उसका ट्वेंटी परसेंट कैसे निकालेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा वाई बाय फाइव इस तरह हो जाएगा ये कैसे होगा देखिए ट्वेंटी परसेंट अपॉन हंड्रेड इन वाई करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये आ जाएगी y बाय फाइव आएगी ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी फाइव जा वाई बाई फाइव ठीक है तो ये वाई बाई फाइव आ गया इसका वैल्यू ये दिया है यहाँ पर सब फिर से पढ़ सकते हैं वेयर इज द प्रॉफिट ऑफ बैट वेयर ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट सेल्स तो जो प्रॉफिट है बैट का सेल्स का ट्वेंटी परसेंट है तो सेल्स का ट्वेंटी परसेंट कितना है वाई बाई फाइव ठीक है हमको धीरे धीरे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनाते रहना है उसके बाद वाईज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कैट वेयर फाइव टाइम्स इट्स प्रॉफिट तो टोटल एक्सपेंसेस जो है कैट का प्रॉफिट के फाइव टाइम्स है यानी कि ये फाइव एक्स है।, है ना यही कहना चाह रहे हैं बाई द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कैट वेयर फाइव टाइम्स इट्स प्रॉफिट अगर कैट का एक्सपेंसेस कितना होगा प्रॉफिट के फाइव टाइम तो प्रॉफिट अगर हमारा एक्स है तो एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा फाइव एक्स हो जाएगा फिर यहाँ क्वेश्चन में दिया है सेल्स ऑफ डेट वेयर थ्री टाइम्स इट्स प्रॉफिट यानी कि डेट का जो सेल्स है प्रॉफिट के थ्री टाइम्स है अगर प्रॉफिट एक्स है तो ये सेल्स का कितना हो जाएगा थ्री एक्स हो जाएगा है ना ऐसी हो जाएगा यही क्वेश्चन में लिखा है सेल्स ऑफ डेट वेयर थ्री टाइम्स इट्स प्रॉफिट तो अगर सेल्स का प्रॉफिट मतलब कि कहना क्या चाह रहा है सेल्स ऑफ डेट वेयर थ्री टाइम्स इट्स प्रॉफिट अगर प्रॉफिट एक्स है तो सेल्स थ्री टाइम इट्स प्रॉफिट यानी कि थ्री एक्स हो जाएगा उसके बाद है द टोटल एक्सपेंसिस ऑफ कैट वेयर टेन लैख तो कैट का टोटल एक्सपेंसिस दे दिया है फाइव एक्स इक्वल टू टेन लैख ये दे दिया है ये एक वैल्यू दे दिया है कैट के एक्सपेंसेस की वैल्यू टेन लैख है उसके बाद द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एंट वेयर आर टेन परसेंट लेस देन दोज ऑफ कैट यानी कि अगर टोटल एक्सपेंसेस एंट का जो है जो टोटल एक्सपेंसेस एंट का है वो टेन परसेंट लेस है कैट से तो टेन लैख है उसका टेन परसेंट लेस करेंगे कितना हो जाएगा नाइन लैख हो जाएगा टेन टेन परसेंट दस लाख का कितना हो निकलता है एक लाख निकलता है तो बचा कितना नाइन लाख वो किसका है एंड की वैल्यू है यानी कि नाइन लैक ,00 ये आ गई यही दिया दो टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एंट वेयर टेन परसेंट लेस देन दो ऑफ कैट तो कैट का टेन परसेंट हटा दो तो नाइन लैख ,00 ये आपका एंट का वैल्यू निकल गया उसके बाद एक और बेसिक फंडामेंटल हम लोग इंफॉमेशन दे दिया है कि प्रॉफिट्स आर डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड टोटल एक्सपेंसेस यानी कि सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट ये हमें दे दिया है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट ये कहना चाह रहा है प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड टोटल एक्सपेंसेस तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट ये दे दिया है अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है देख देख के कि क्या निकलती है देखिए अगर टेन लैख फाइव एक्स है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव बाय टेन कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी टू लैख इतनी निकलेगी देखिए फाइव बाई टेन है ये टेन लैक है इक्वल टू तो फाइव एक्स है तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी फाइव नीचे से जाएगी तो टू एक टू लैख आ गए वैसे अगर ये एक्स टू लैख है तो इसकी वैल्यू भी टू लैख हो जाएगी ना और x की वैल्यू टू लाख है तो थ्री की वैल्यू कितनी तो थ्री इन टू टू कर देंगे यानी कि सिक्स लैख्स लैख आ गया अब पास इतना वैल्यू हम को पता चल गया है तो देखिए हम इससे यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हैं सेल्स माइनस इक्वल टू पी है, हम लोग को पी और एस दे दिया है तो एक्सपेंसिस निकाल सकते हैं हम यहाँ पास डेट की वैल्यू तो डेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगा सेल्स हमें पता है सेल्स माइनस पी इक्वल टू ई ऐसे निकाल सकते हैं सेल्स की वैल्यू सिक्स लैख और पी की वैल्यू कितना है टू लैख तो हम लोग को ई e की वैल्यू कितनी मिलेगी फोर लैख फोर लैख मिलेगी तो यहाँ पास हम फोर लेख लिख सकते हैं ये हो गया हमारा इतना वैल्यू पता चल गया अब हम लोग आगे चलते हैं बढ़ते हैं कि हमें जेड कैसे निकालेंगे वाई कैसे निकालेंगे इन सब की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं तो अब हम लोग अगर वाई निकालना चाहें तो इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं हमें पी पता है ई e पता है एक्सपेंसेस पता है तो वाई भी हम मतलब कि सेल्स भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला के हेल्प से तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा पी पता है तुमको एस नहीं पता है तो यहाँ पास पी माइनस नहीं पी प्लस ई इक्वल टू एस ये निकाल सकते हैं पी हमारा टू लैख है और एक्सपेंसेस है टेन लैख तो टोटल वैल्यू एस की कितनी आ गई ट्वेल्व लैख है ना ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं इसको शिफ्ट कर दीजिए एस को राइट साइड और पी को लेफ्ट साइड ले आइए तो पी प्लस ई इक्वल टू एस आ जाएगा इसके हिसाब से टू लैख प्लस टेन लैक इक्वल टू ट्वेल लैक तो, तो, तो यहाँ पास इसकी वैल्यू आ गई ट्वेल लैक ये ट्वेल्ल लैख है तो वाई की ऊपर वाले बैट के जो सेल्स हैं वो भी इक्वल है तो ये ट्वेल्व लैख यहाँ पास भी आ गया धीरे धीरे देखिए सब चीज़ सॉर्टेड होते जा रहे हैं और अगर ये ट्वेल्व लैक है वाई की वैल्यू तो वाई बाई फाइव कितना आएगा वाई बाई फाइव मतलब ट्वेल्व लैक अपॉन फाइव ट्वेल्व लैक अपॉइन फाइव करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी टू पॉइंट फोर लैख इतनी आ जाएगी ठीक है आप चाहे तो कर सकते हैं ट्वेल अपॉन फाइव करेंगे तो यहाँ पास टू पॉइंट फोर आएगा टू पॉइंट फोर यहाँ पास डाल दीजिए और एल लिख दीजिए टू पॉइंट फोर लैख हो गया ठीक है अब हम हेड पे जाते हैं तो देखिए अच्छा पहले बैट का एक्सपेंसिस भी निकाल देते हैं एक्सपेंसिस कैसे निकलेगा अगर टू पॉइंट फोर लैख है और ये ट्वेल्व लैक है तो एक्सपेंसिस इस फार्मूला से निकल जाएगा यहाँ पास हम डालेंगे सेल्स है ट्वेल्व लैख और माइनस टू पॉइंट फोर लैख इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा एक्सपेंसेस मिल जाएगा तो ट्वेल्व माइनस टू पॉइंट फोर करेंगे तो कितना आएगा नाइन पॉइंट सिक्स ठीक है ये एक्सपेंसिस होगी यहाँ पास लिखेंगे नाइन पॉइंट सिक्स लैक तो देखिए धीरे धीरे सब चीज़ शॉर्टेज होते जा रहे हैं अब बस रह गया ऊपर वाला तो यहाँ पर देखिए इस, इसको आप फार्मूला में पुट करिए तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं जेड माइनस नाइन लैख इक्ल टू जेड बाई टेन ऐसा लिख सकते हैं है ना सेल्स माइनस एक्सपेंसिस इक्वल टू प्रॉफिट ये फार्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट कर दिए अब इसको धीरे धीरे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा z माइनस जेड बाई टेन इक्वल टू नाइन लैख ठीक है उसी हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर ये टेन जेड माइनस जेड इक्वल टू नाइन्टी लैख इतना हो गया नाइन जेड इक्वल टू नाइन्टी लैख जेड इक्वल टू कितना हो गया ये हो गया टेन लैख जेड की वैल्यू कितनी आई टेन लैक आइए तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कैसे क्या हो जाएगी टेन लैख और यहाँ पर जेड बाय टेन है तो जेड बाय टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन बाय टेन करेंगे यानी कि वन लैख देखिए ये धीरे धीरे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये हमें पूरा टेबुलर फॉर्म में मिल गया अब यहाँ पास आपको क्वेश्चन कुछ कुछ मिलते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखता होगा यहाँ पास तो पहला क्वेश्चन लिखा है विच कंपनी विच कंपनी हैड द लोवेस्ट सेल्स तो किस कंपनी का सबसे सेल्स सबसे कम है ये देखते हैं तो इसमें देख सकते हैं सबसे कम सेल्स किसका डेट का है जो कि है छह लाख रुपये तो पहला पहला क्वेश्चन का आंसर है डेट ठीक है जिसमें ऑप्शन डी जो है वो डेट है तो पहला आंसर डी हो गया सिक्स लाख तो यहाँ पास डेट को आप टिक कर सकते हैं अब स्क्रीन पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखता होगा क्वेश्चन है विच कंट्री हैड द हाईएस्ट टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस किसका सबसे हाईएस्ट है तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाइएस्ट एक्सपेंसिस किसका है कैट का है तो सही आंसर सी है जो कि कैट है ठीक है टेन लैख फिर थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आता होगा क्वेश्चन है विच कंपनी हैड द लोएस्ट प्रॉफिट तो लोएस्ट प्रॉफिट किसका है सबसे लोएस्ट प्रॉफिट आपको वन लैख दिख रहा है जो कि है एंड का तो सही आंसर हो जाएगा एंड यानी कि ऑप्शन ए स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख चुका होगा उसका आंसर ए है ठीक है फोर्थ क्वेश्चन है विच कंपनी हैड द हाईस्ट प्रॉफिट तो सबसे हाइस्ट प्रॉफिट हमें किसका दिख रहा है हाइस्ट प्रॉफिट हमें दिख रहा है टू पॉइंट फोर लैख जो कि है बैट का तो आंसर हो जाएगा बी बी ऑप्शन जिसमें बैट लिखा हुआ है तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्वेश्चंस को नहीं देखना है पहले आपको ये ये, ये ये जो पैराग्राफ दिया है इसको आपको समझना है उस हिसाब से उसको आपको टेबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना है रफ़ पेज में और ये आपका बन गया तो ऑटोमेटिकली आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये लॉजिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा थैंक यू